जब भी कोई लड़ाई होती है दो देशों में, तो उन लोगों की दोनों देशों की कोशिश रहती है कि वो जितना भी अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी फौज के साथ, अपने उन सोल्जर्स के साथ जो बैटल फील्ड में हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ जितना भी कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह कोडेड रहे, ताकि अगर उनका मैसेज दुश्मन के हाथ लगता है तो वो मैसेज उनके हाथ में आ भी जाए फिर भी वो मैसेज को पढ़ ना पाए, इसलिए मैसेज को कोड कर दिया जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी बिल्कुल ऐसा हो रहा था, जर्मनी अपने सारे कम्युनिकेशन को, अपने सारे मैसेजेस को एक मशीन को यूज करके कोड करती थी। इस मशीन का नाम था द एनिग्मा मशीन। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कोने में मिल जाएगा। पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता कि वो कोड सिर्फ तब क्रैक कर सकते थे जब ब्रिटिश लोगों के पास, जो लोग ये कोड क्रैक कर रहे थे उनके पास ये मशीन हो। एनिग्मा मशीन होना जरूरी था इस कोड को क्रैक करने के लिए। पर चैलेंज ऑब्वियसली ये था कि एनिग्मा मशीन आपको मिलेगी कहां पे? वॉर के दौरान एनिग्मा मशीन सिर्फ जर्मन शिप्स पे या सबमरीन्स पे होती थी, इसीलिए इन मशीन्स का मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी कोई जर्मन सबमरीन लड़ाई कर रही है या फिर डूब रही है तो डूब गई और शायद मशीन भी चली गई पानी के अंदर, तो मशीन मिलती नहीं थी। बट ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे उन्होंने पहली एनिग्मा मशीन ढूंढी। ये बात 1941 की है। बैटल ऑफ अटलांटिक चल रहा था, यानी अटलांटिक महासागर में एक तरफ थे ब्रिटेन के शिप्स और दूसरी तरफ थी जर्मनी की सबमरीन्स। जर्मनी की सबमरीन्स पानी के अंदर रह के ब्रिटेन की शिप्स पे हमला कर रही थी और उनको डुबा रही थी, तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज था ब्रिटेन के लिए। सबमरीन्स को डुबाने का, उन पे अटैक करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो ये कि आपको पहले से ही पता रहे कि वो सबमरीन कहां जाने वाली है, क्योंकि पानी के अंदर है वो। आपको अगर पहले से पता नहीं है तो आपको ऑन द स्पॉट अपने शिप पे लगे रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपको पहले से ही पता हो कि किस कोऑर्डिनेट पे वो सबमरीन रहेगी, कहां पे रहेगी, कहां पे आप उसको ढूंढ सकते हैं, तो आपका काम कितना आसान हो जाता है। तो इस तरह से जर्मन सबमरीन की लोकेशन पता लगाने के लिए आपको एनिग्मा कोड क्रैक करना बहुत जरूरी था। अगर आप एनिग्मा कोड क्रैक कर लेंगे तो आप जर्मनी से होने वाले सारे कम्युनिकेशन को पढ़ सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी सबमरीन किस जगह पर किस टाइम पर है। तो 1941 में एक दिन की बात है कि एक जर्मन सबमरीन थी, उसने बहुत शिप्स को डुबाया था, बट आज उसको दो शिप्स ने घेर लिया था। ये दो शिप्स ब्रिटेन की थी। ये जर्मनी की सबमरीन, इसका नाम था U-110, ये इसका कोड नेम था। सबमरीन का सबसे पावरफुल हथियार ये होता है कि जब भी उनको कोई लोकेट करता है, जब भी कोई शिप देख लेती है कि वो सबमरीन है, तो फटाफट सबमरीन पानी के अंदर चली जाती है। अब क्या करोगे? बट U-110, ये जर्मनी की सबमरीन में प्रॉब्लम ये थी कि उसका डैमेज हो गया था और वो पानी के अंदर जा नहीं पा रही थी, तो वो फोर्स होके मजबूरी में पानी के ऊपर थी। अब सबमरीन पानी के ऊपर है अगर, तो भाई शिप्स अगर सामने आए तो सबमरीन सामना कर ही नहीं सकती। जर्मन सबमरीन का कमांडर जानता था कि अब ये सबमरीन डूब जाएगी। जब ऐसी सिचुएशन होती है वॉर में, जब आपको पता रहता है कि आपकी शिप डूबने वाली है, तो नॉर्मली शिप्स के कैप्टन अपने जितने भी सेलर्स हैं उनको ऑर्डर दे देते हैं अबैंडन शिप, यानी शिप को छोड़ दो, शिप से कूद जाओ। तो उस सबमरीन के कैप्टन ने भी अपने सारे सेलर्स को बोल दिया कि अब हम बाहर निकल रहे हैं, अबैंडन शिप। अब यहां पर बात इंटरेस्टिंग होती है। नॉर्मली जब भी आप अबैंडन शिप का ऑर्डर देते हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि जितना भी आपके शिप के ऊपर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी शिप के ऊपर है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, या आप उसको पानी में फेंक दो, या आप उसको जला दो, किसी भी तरह से आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप शिप छोड़ने वाले हैं तो या वो शिप डूब रही हो या फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दो, उनको डिस्ट्रॉय कर दो। अब यहां पर ये हुआ कि ये सबमरीन डैमेज बहुत बुरी तरह से हो गई थी, तो इसके कैप्टन को लगा कि ये अब डूब जाएगी, तो उसने अबैंडन शिप का ऑर्डर दे तो दिया, बट उसने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी मशीनरी डिस्ट्रॉय नहीं की। वो कैप्टन ये भी देख रहा था कि सामने से एक ब्रिटेन की शिप है, वो बहुत तेजी से हमारी सबमरीन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उस ब्रिटेन की शिप का इरादा था कि वो इस सबमरीन को बहुत तेजी से रैम करे। रैम करना मतलब बहुत तेजी से टकराएगी उसके साथ और उस तरह से सबमरीन और डैमेज हो जाएगी। नेवल बैटल्स में ऐसा कई बार होता है कि दो शिप जब बहुत पास आ जाती है तो वो एक दूसरे को रैम कर देती है। तो जब ब्रिटेन की शिप ने देखा कि ये जो सबमरीन है जिससे वो टकराने वाले हैं, जिसको वो रैम करने वाले हैं, उसका कमांडर बाहर आ गया है सबमरीन के और सारे सेलर्स भी बाहर आ गए, यानी अब वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो ब्रिटेन की शिप जो टकराने वाली थी सबमरीन से, उसने अपने आप को मोड़ लिया और सबमरीन से नहीं टकराई। अब उस सबमरीन के सारे लोग कैप्टन के साथ पानी में थे। अब कैप्टन देख रहा है कि यार सबमरीन मेरी डूबी नहीं रही है। वो ये सोच के उसने अबैंडन शिप का ऑर्डर दिया था और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चलाए थे कि ये सबमरीन डूब जाएगी, बट अब जब वो पानी में आ गया तो देख रहा है कि सबमरीन डूबी नहीं रही है, तो वो एकदम घबरा गया। वो तो सोचा कि अरे बाप रे, अब तो फंस जाएंगे, अगर ये सबमरीन नहीं डूबी तो इसमें बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर ब्रिटेन के हाथ ये डॉक्यूमेंट्स लग गए तो जर्मनी का बंटाधार हो जाएगा।
तो उस कैप्टन ने बहुत तेजी से स्विम करना शुरू किया वापस अपनी सबमरीन की तरफ। उसका ये इरादा था कि मैं सबमरीन के अंदर जाऊंगा और सारे डॉक्यूमेंट्स जला दूंगा, बट उस कैप्टन की इस हरकत को ब्रिटेन के लोगों ने देख लिया और उन्होंने उस पर फायर किया। जब ब्रिटेन की शिप्स पे सेलर्स ने देखा कि ये जर्मन एक आदमी वापस सबमरीन की तरफ जा रहा है, क्यों ये डूबती हुई सबमरीन की तरफ वापस जा रहा है, तो उनको डाउट हो गया कि जरूर इस सबमरीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो उन्होंने उस पर फायर किया और वो जर्मन सबमरीन का कैप्टन पानी में कहीं घूम हो गया। इसके बाद ब्रिटेन की नेवी ने अपने सेलर्स को ऑर्डर दिया कि जाके इस सबमरीन को बोर्ड करो। बोर्ड करो मतलब इस सबमरीन के ऊपर जाओ, उसके अंदर जाओ और देखो कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या। नॉर्मली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आप किसी एनिमी की शिप को तो बोर्ड करते हैं, बट किसी एनिमी की सबमरीन को बोर्ड करना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि आप बोर्ड करने की तब हिम्मत करोगे जब वो सबमरीन बहुत डैमेज हो चुकी है, और अगर सबमरीन डैमेज हो चुकी है इसका मतलब वो किसी भी पल डूब सकती है। तो अपने सेलर्स को किसी डूबती हुई सबमरीन पे बोर्ड करने के लिए भेजना ये बहुत बहुत ही रेयर होता है। फिर भी उस ब्रिटेन की शिप से जिसका नाम था HMS बुलडॉग, मैंने अभी तक आपको नाम नहीं बताया था ना इस शिप का, हाँ HMS बुलडॉग ने इस सबमरीन को डुबाया था। तो HMS बुलडॉग से एक बोर्डिंग पार्टी शिप से उतरी और नाव लेके इस सबमरीन पे गई। बोर्डिंग पार्टी मतलब कुछ 4-5 सेलर्स का ग्रुप जो जाके इस सबमरीन को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस बोर्डिंग पार्टी में जो सेलर्स थे वो उनकी कितनी हालत खराब हो रही होगी, वो कितना डर रहे होंगे कि हम एक डूबती हुई सबमरीन में जा रहे हैं। फिर भी उनके पास ऑर्डर्स थे तो वो गए सबमरीन के अंदर घुसे। उस बोर्डिंग पार्टी को फिर भी डाउट था कि सबमरीन के अंदर कोई ना हो, तो जो पहला इंसान जो सबमरीन के अंदर जाएगा वो काइंड ऑफ सुसाइड मिशन पे जा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कोई अंदर है कि नहीं। फिर भी बोर्डिंग पार्टी के सारे सेलर्स एक एक करके सबमरीन में उतरे और उन्होंने जाके सबमरीन के अंदर मुआयना किया। पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो ये थी कि अंदर पानी सा भरा हुआ है, बहुत ऊपर तक नहीं है बट पानी है और वो तेजी से ऊपर ऊपर आ रहा है। कुछ एक बात थी जो उनको ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है, और वो ये बात थी कि सबमरीन का जो रेडियो रूम था जहां पर सारा कम्युनिकेशन होता है, वहां पर एक टाइपराइटर जैसी मशीन रखी हुई थी। तो उस बोर्डिंग पार्टी ने सोचा कि यार ये रेडियो रूम में ये टाइपराइटर क्या कर रहा है। नॉर्मली जो रेडियो रूम होता है उसमें सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें रहती हैं, बट ये जो मशीन थी ये दिखने में टाइपराइटर की तरह थी बट टाइपराइटर की तरह नहीं भी थी, मतलब अलग टाइप की कुछ थी, और इसके आसपास बहुत सारे फाइल्स रखे थे, बहुत नोट्स रखे हुए थे। तो उनको लगा कि शायद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो, हालांकि उस टाइम उनके पास पता नहीं थी, बट जिस चीज पे जिस टाइपराइटर पे वो नजर डाल रहे थे वो एनिग्मा मशीन थी, और ये वो मशीन थी जिसके पाने की वजह से पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नक्शा ही बदल गया। इस बोर्डिंग पार्टी ने उस एनिग्मा मशीन को वहां से लिया और उसके बाजू में जो फाइल्स और नोट्स रखे थे वो भी उन्होंने वहां से लिए। उस टाइम उनको इस बात का पता नहीं था बट वो जो नोट्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे, इतने इंपॉर्टेंट थे। उन नोट्स में बेसिकली ये लिखा था कि किस दिन किस तारीख को आपको एनिग्मा मशीन की सेटिंग किस तरह से करनी है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन थी। ये एक गोल्ड माइन थी इंफॉर्मेशन की, इतनी सारी इंफॉर्मेशन उनको एक साथ मिल गई, बट बोर्डिंग पार्टी को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो HMS बुलडॉग के कैप्टन ने तुरंत अपने हेडक्वार्टर में फोन किया और बताया कि भाई मुझे ये मशीन मिली है एक सबमरीन पे। उन्होंने HMS बुलडॉग के कैप्टन को दो ऑर्डर्स दिए। पहला, जर्मनी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी ये जो सबमरीन है ये कैप्चर हो गई है। उनको ये लगना चाहिए कि ये सबमरीन डूब गई है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि ये सबमरीन कैप्चर हो गई है तो तुरंत जर्मनी वाले अपने कोर्स को चेंज कर देंगे, और हमने इतनी मेहनत करके अपनी बोर्डिंग पार्टी भेज के ये जो सबमरीन से मशीन निकाली है ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी। दूसरा ऑर्डर, आपको ये करना है कि आपको बिल्कुल तेजी से बिना किसी से बात करते हुए सीक्रेसी मेंटेन करते हुए आपको इंग्लैंड वापस आना है और ये मशीन हमको सबमिट करनी है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जर्मनी को पता ही नहीं चला कि ये सबमरीन कैप्चर कर ली गई थी और इसमें से एक कोड निकाल लिया गया था और वो एनिग्मा कोड को यूज करते गए। यही मशीन फिर पहुंची ब्लेचली पार्क, जहां पर एलन ट्यूरिंग और उसकी टीम ने मिलकर एनिग्मा मशीन को क्रैक करने के लिए एक मशीन बनाई, और उस मशीन ने सारे एनिग्मा कोड्स को क्रैक किया, और इस तरह बैटल ऑफ अटलांटिक और यहां तक कि पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक झटके में एलाइड फोर्सेस की तरफ, ब्रिटेन, यूएस, रशिया की डायरेक्शन में आ गया। जब भी हम एनिग्मा कोड की, एलन ट्यूरिंग की, इमिटेशन गेम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कितना जरूरी था इस एनिग्मा कोड को क्रैक करना, बट कभी भी हम इस बारे में बात नहीं करते कि इस मशीन को ढूंढा कैसे गया था, पाया कैसे गया था। और ये जो कहानी है इस सबमरीन से इस एनिग्मा मशीन को निकालने की, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, बहुत घटनाएं हुई थी जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी, आपके कान खुले रह जाएंगे, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं।
तो अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी रियल घटनाओं पर आधारित कहानियों में और रियल इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरा चैनल जिज्ञासियम जरूर सब्सक्राइब करें।